सब चीज खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज बात यह है कि जब वर्ल्ड कप की मैं एक और चीज, 3 महीने तक तो जरा इनको खींच के रखो ना बीसीसीआई को, ये भाई 3 महीने हैं तकरीबन एशिया कप स्टार्ट होने पे, हम तो नहीं खेलेंगे, हम ना वर्ल्ड कप खेलेंगे, एशिया कप जो हमने अब प्लान बनाया हाइब्रिड का, अगर उसमें चलते हो तो ठीक है, नहीं तो वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। उनकी भी तो नींदे आराम करो ना, टांग के रखो उनको भी कि पाकिस्तान नहीं आएगा वर्ल्ड कप में। उसके बाद आपने बात की पाकिस्तान में कुछ लोग बकवास कर रहे हैं और कुछ ट्विटर के ऊपर बैठ के जो है ट्वीट्स वगैरह किए जा रहे हैं और टैग किए जा रहे हैं, लाइक ट्रोल किए जा रहे हैं अगर मैं आसान लफ्जों में आपको बोलूं। लेकिन बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मारता है, इंसान अपने आप को खुद मुश्किल में फेंकता है, और उसका नाम है नजम सेठी जिसने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया। भाईजान बात सीधी है, मुझे एक बात बताओ, पहले बात यह तय हुई कि पाकिस्तान में एशिया कप होगा, हाइब्रिड मॉडल भेजा गया के अंदर जो है तैयारी शुरू हो चुकी है एशिया कप की, जो 1 सितंबर से लेके शुरू होने जा रहा है। ये बात फिर से आपको कह रहा हूं कि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान ही एशिया कप में नहीं होगा, और यह चीज बीसीसीआई ने बहुत अरसा पहले बता दी थी। ठीक है, हमारे जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं वो लोगों को झूठ बोल बोल के जी बीसीसीआई की हार हो गई, पीसीबी की जीत हो गई। नजम सेठी साहब टीवी पे नहीं आए, इसका मतलब वो 100% वो बैकफुट पे चले गए हैं। अब अंदर की बात हमें नहीं पता कि आईसीसी के चेयरमैन के साथ उनकी क्या बात हुई है, यही मोटी मोटी सी बातें उन्होंने निकाल दी सामने, घूमने आए थे उधर घुमाया इधर घुमाया, वो तो पूरे पाकिस्तान को पता है कहाँ का वो घूमते रहे। अगर अब वो नहीं आए तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई दाल में कुछ काला है, और बात यह है कि इतनी ज्यादा हाइप हमने नहीं बनाई, ये हाइप सारी नजम सेठी साहब। अगर आपने नहीं आना तो आप फिर भी बता दो, ये जो है ना वो ऑफिशियली स्टेटमेंट आई है, मतलब पाकिस्तान में एशिया कप का एक बाल भी नहीं होगा, एक बाल भी नहीं होगा, जो कि आपको मैं आई थिंक पिछले 3-4 महीने से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में एशिया कप कोई नहीं होना, लेकिन मेरी बात पे मान नहीं था रहा, आज सारे मेरी बात मान गया। लेकिन पाकिस्तान में कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, पाकिस्तान में कुछ ट्विटर कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का इनेकाद किस मुल्क में होगा, हाइब्रिड मॉडल में मेज़बान पाकिस्तान के अलावा दूसरा मुल्क कौन सा होगा, क्या भारत हाइब्रिड मॉडल को भी मानने को तैयार नहीं या उस पर राजी है, ये वो सवालात हैं जो एशिया कप के पाकिस्तान में इनेकाद पर भारतीय इनकार के बाद पैदा होना शुरू हुए, और अब तक एशिया कप का मामला किस करवट बैठेगा इस बारे में मुतजाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तानी बॉयज में, और पाकिस्तान की जो यहाँ पर खाट खड़ी हुई है, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान के साथ क्या हुआ। पाकिस्तान जो है वो एशिया कप से बाहर हो चुका है, और एशिया कप से बाहर क्यों है वो अपनी गलतियों के कारण, क्योंकि बीसीसीआई ने पहले ही साफ इनकार कर दिया था कि हम पाकिस्तान नहीं आने वाले। अरे भाई पाकिस्तान हम क्यों आए, हमें गोलियाँ थोड़ी ना खानी है यार, हम मरने के लिए थोड़ी ना आएंगे पाकिस्तान, हम नहीं आएंगे, बीसीसीआई ने साफ कह दिया। लेकिन जो इनके जो निजाम सेट्टी हैं ये भी अड़ियल निकले, इन्होंने कहा कि नहीं जी हम नहीं आएंगे तो हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे। अब वर्ल्ड कप नहीं खेलने आओगे तो भाड़ में जाओ, आप मत खेलने आओ, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो अभी क्रिकेट होगी सारी टीम आएंगी, आप बैठ के घर पर आराम से मैच देखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ साथ अब जो इसका आयोजन होना है एशिया कप का, ये आयोजन होना है श्रीलंका के अंदर। अब श्रीलंका के अंदर होगा तो श्रीलंका अभी बस इसकी तैयारी करने लग गया है। अब पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है, वो कह रहे हैं यार हमारे हाथ में एशिया कप था, अब उल्टा हम ही इससे बाहर हो गए, तो बड़ी शर्मनाक बात है। तो पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा दोस्तों, आगे हम देखते हैं। बात ये है कि ज़रा खड़े तो होना यार आप, ठीक है हमारी मजबूरियां थी, बहुत सी चीज़ें थी जिसकी वजह से हम कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे, लेकिन हमने अपनी क्रिकेट अब खड़ी कर ली है, नहीं जाएंगे ना इंडिया वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे इंडिया। देखे बहुत से लोगों को मैं सुनता हूँ, वो कहते हैं कि जी इतना आसान नहीं है, सिर्फ बातें करनी होती हैं, बातें करके देखे ये डिफेंसिव लोग होते हैं, बहुत से लोग कहते हैं ज़रा ये क्या कहते हैं उसको डिप्लोमेटिक तरीके से चलना चाहिए, ये हवा में बातें करने का कोई फायदा नहीं होता भाईजान, किसी ना किसी जगह पे आपको तगड़ा स्टांस लेने पड़ते हैं। जब एक बंदा नहीं सुधरता उसके लिए फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना पड़ता है, आप करके तो देखो, नहीं जाओ वर्ल्ड कप के अंदर, करके देखो कि एशिया चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्या होता है, नहीं आएगा ना इंडिया चैंपियन ट्रॉफी। इससे मजीद में बात करता हूं तनवीर, उमर ये अब खबरें आज इंडियन मीडिया मौजूद हैं कि श्रीलंका फाइनलाइज है, आईपीएल फाइनल की साइडलाइन पर बात हुई अफगानिस्तान श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ आए थे, बांग्लादेश से शायद उनकी वैसे बात हो चुकी हो, अब ये खबरें मौजूद हैं कि श्रीलंका ही एशिया कप करा लिया जाएगा, हाइब्रिड मॉडल नहीं माना जाएगा। डू यू थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी साहब ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारतीय चैनल्स पर और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया रॉयटर्स एपी सब जगह कहते रहे कि फिर हम पाकिस्तान भी सोच समझ के फैसला करेगा, हाइब्रिड के अलावा कोई हम ऑप्शन नहीं मानेंगे, तो क्या बात उसी लेवल उसी जगह तक जाएगी, या जैसे तनवीर कह रहे हैं कि नजम सेठी साहब अब
सामने नहीं आई है प्रेस रिलीज में जिस तरह का जिक्र है, लगता है कि बैकफुट पे हम ऑलरेडी मौजूद हैं। होने क्या जा रहा है तन्वीर, उमर आपके ख्याल में जो खबरें इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है क्या उसी तरह बात जारी? देखो गफार जो भी तन्वीर बात कर रहे थे, मैं इससे ना थोड़ा बहुत सहमत हूँ, एग्री करता हूँ मैं कि अगर आपको स्टांस लेना, अगर आपको मॉरल स्टैंड लेना है, अपने मॉरल ग्राउंड पे हाई रहना है आपको, तो आपको कहीं ना कहीं स्टांस लेना पड़ेगा आपको। और ये आई थिंक एशिया कप आपके लिए टेस्ट केस है। एशिया कप अगर आप नहीं खेलेंगे तो आप सस्टेन कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई थिंक आपको स्टार्ट वर्ल्ड कप से आप अपने आप को पुल आउट नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें आपको एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि उसमें मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट आपने साइन किए हुए हैं और जो आपका जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है उस पे भी आपके उन्हीं पैसों से आप रिलाई करते हो, वो पैसे आपको मिलते हैं। जो आई थिंक आपने देखा होगा मॉडल जो है वो रिवील कर दिया गया ESPN के ऊपर के 5 point एक वैल्यू मिलेगी पाकिस्तान को, तो वो प्रीरेक्विजिट है कि वर्ल्ड कप। अगर ये लोग वर्ल्ड कप से बायकॉट करते हैं BCCI से, क्योंकि दुश्मनी तो उन्होंने निकालनी है ना, वो दुश्मनी ये या नजम सेठी को कि जी जय शाह ने IPL के फाइनल वाले दिन जो है वो सबको पैसे दिए और सबको जो है वो रिश्वत दे के सबसे ये जो है वो रिजेक्ट करवाया हाइब्रिड मॉडल, जो नजम सेठी को असल गुस्सा है और वो जो गुस्सा उतारेगा, कह रहा है कि मैं गुस्सा उतारूंगा कि वर्ल्ड कप से बाइकॉट करेंगे हम, और वर्ल्ड कप से अगर बाइकॉट करेंगे और इंडिया पाकिस्तान मैचेस में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है और उसका नुकसान बीसीसीआई को उठाना पड़ेगा, ये बात आपकी गलत है। क्योंकि भाईजान इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैचेस में होने, इंडिया इंग्लैंड के मैचेस में होने, उसमें बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच की बड़ी हाइप है वर्ल्ड कप में, वो बहुत अच्छा मैच होता है, वो बड़ा एक्साइटेड मैच होता है हर बार, और ऑस्ट्रेलिया को वैसे भी जो है वो इंडिया में बड़ी मार पड़ती है और ऑस्ट्रेलिया इस बार अच्छे तरीके से आएगा, लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन पाकिस्तानी देखें, एज अ क्रिकेट फैन मुझे बड़ा दुख हुआ है कि हम लोग इंडिया पाकिस्तान के मैचेस बाय लैटरल तो देख नहीं पा रहे, लेकिन ICC मैच में भी अगर ये लोग छीन लेंगे, अगर ये PCB की गलत हरकतें, PCB की ये जो यकियाँ किए जा रहे हैं इनकी वजह से ये चीज़ें अगर होंगी तो मुझे तो बड़ा गुस्सा आएगा, मुझे बुरा भी लगेगा यार, ये क्या तमाश भी नहीं है। 4 साल के बाद एक टूर्नामेंट आता है उसमें भी यकियाँ किए जा रहे हो, उसमें भी तमाश भी नहीं किए जा रहे हो, ये कौन सी है? ये एक बंदे को झुक जाना चाहिए ना, झुक जाओ भाई जान। मैं आपको बताता हूँ, चैंपियन ट्रॉफी अगर 2025 की पाकिस्तान ने बचानी है ना, तो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप भी खेलना पड़ेगा, पाकिस्तान को एशिया कप भी खेलना पड़ेगा। ICC ये गारंटी देगा गया PCB को कि अगर आप लोग वर्ल्ड कप खेलोगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके मुल्क में वर्ल्ड चैंपियन ट्रॉफी होगी, सारी टीमें आएंगी। लेकिन अगर ये लोग गलत सोच के अनापरस्ती में ये चीज़ें करेंगे ना, वर्ल्ड कप से बाइकआउट करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, इनके ऊपर सेंशन लग जाएंगी, ये जो है वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना इश्तियारी बन जाएंगे, ब्लैक टैग लगेगा इसके ऊपर और बैड इम्पैक्ट जाएगा वर्ल्ड क्रिकेट में। बायलैटरल सीरीज जो होती है ना पाकिस्तान में, वो भी नहीं होंगी, फिर पाकिस्तान उनसे भी हाथ धो बैठेगा, टीम में इनके ऊपर यकीन करना छोड़ देंगी, क्योंकि ये पुल आउट करने वाली टीम है बड़े टूर्नामेंट से। ये भाईजान बड़ा गंदा टैग होता है, अगर ये लग जाए तो आप लोग जो है वो कहते हैं ना कि वर्ल्ड क्रिकेट में आपकी औकात, वो कहते हैं ना कि मैं क्या बोलूं, वर्ल्ड क्रिकेट में आपकी औकात एल के बराबर हो जाती है भाईजान। दोस्तों जैसे कि आपने देखा कैसे भी वीडियो में आग बबूला हुए जा रहे थे, जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट है धमकियां दे रहे थे BCCI को, सबक सिखाओ BCCI को, ये करो वो करो, लेकिन दोस्तों इनसे कुछ भी नहीं उखड़ने वाला है, क्योंकि BCCI सबका बाप है और पाकिस्तान देखना ऐसे ही करता रहेगा। अभी ये एशिया कप से बाहर हुआ है, अगर ये ज़्यादा मनमानी करेगा तो इन्हें वर्ल्ड कप में भी इन्हें इनका बोरिया बिस्तर बांध के इन्हें घर भेज दिया जाएगा, अपने घर में बैठो और वहीं से लाइव मैच देखो। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।